शिकारियों का हुआ पर्दाफाश। मामला मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम मोहगांव परियोजना मंडला के अंजनिया रेंज का है, जहां कुछ दिनों पहले 15-16 शिकारियों द्वारा काता बीट के कक्ष क्रमांक 557-757 के अंदर शिकारियों द्वारा 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक फंदा लगाया गया जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। अंजनिया रेंज के प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी अतुल बाजपेयी ने बताया की जानकारी देते हुए बताया कि शिकारियों द्वारा जंगल में जंगली जानवरों को फंसाने का फंदा लगाया गया था। गश्त के दौरान क्षेत्राधिकारी अतुल वाजपेयी अपने अमले के साथ जंगल में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। वन अमले को आता देख लोग भागे। वन अमले द्वारा दो लोगों को अपनी गिरफ्तारी में लिया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड में लेकर पतासाजी करने पर 14 लोगों को और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अपराधियों के पास से लगाया गया फंदा भी जब्त किया गया। न्यायालय द्वारा अपराधियों को जेल भेजा गया। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले अनन्या रेंज के काता में शिकार हुआ था और शिकारी अभी बहुत सक्रिय है। आप लोगों ने किस तरीके से कार्रवाई किए, योजना बनाए कि शिकारी जाल में फंस गए? ये घटना अंजनिया रेंज मोहगांव परियोजना मंडल अंतर्गत अजनिया परिक्षेत्र की काता बीट की है। कक्ष क्रमांक 557 आरएफ के अंदर कुछ व्यक्तियों द्वारा फंदा लगाया गया था, जो लगभग 500 मीटर से लेके आधा 1 किलोमीटर के आसपास लंबाई पर लगाया गया था और एक जगह से दूसरे जगह पर शिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से हाका किया जा रहा था। यानी हाका का मतलब होता है जानवरों को डरा कर एक दिशा में जहाँ फंदा लगा है उस दिशा में खदेड़ना। तो हमारा वहाँ पर जो वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट से भी रहता है, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से भी रहता है, समिति वालों से भी रहता है, सभी से तालमेल बना के हम वन्य सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो प्रयास हो सकता है हम लोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ जो गश्ती हो रही थी, गश्ती के दौरान दो संदिग्ध हालत में व्यक्ति पकड़ाए गए, उनकी निशानदेही पर फांदा जब्त हुए। फांदा जब्त होने के उपरांत तत्काल उसका वन अपराध प्रकरण पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और रिमांड चाही गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने रिमांड दिया। उक्त उनके साथी जो 14 और अन्य थे, कुल 16 लोग मिलकर शिकार कर रहे थे, जिसमें 14 जो अन्य साथी थे उनको बाद में फिर गिरफ्तार किया गया और कल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया कि उनको रिमांड दिया जाए, जाँच करने हेतु समय दिया जाए, तो उनको भेजा गया। अभी और पतासाजी चल रही है कि इनमें और कितने लोग शामिल हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या आपने पुलिस का भी सहयोग लिया? नहीं, पुलिस का अभी तक कोई सहयोग नहीं लिया गया है। हम लोग वन विभाग के टीम कान्हा टाइगर नेशनल, उसका सहयोग लिया गया, हमारे सुरक्षा श्रमिक समिति वाले, ग्रामीणों का सहयोग लिया गया जो